हे गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स कोर्स। इस वीडियो के अंदर हम बिगिन मेथड को कंटिन्यू करेंगे और उसमें सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था, आई होप आपने वो देखी होगी क्योंकि उसके अंदर काफी डिटेल में समझाया था और उसके अंदर हमने तीन वेरियंट्स लिए थे। वो आप वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे कैसे लिए थे। सो गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ऑल्सो। सो गाइस, लेट्स बिगिन। तो गाइस, अब ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कि भाई हमारे पास क्या दे रखा है। पहले तो पहले हमारे पास है मैक्स फंक्शन, है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको हमारे को मैक्सिमाइज करना है, और ये हमारे पास तीन कंस्ट्रेंट दे रखे हैं, और कंस्ट्रेंट जो है हमारे वो सब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हैं, मतलब कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं x1 x2 और x3। तो इसका मतलब है कि ये रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि ये x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो आप ये समझिए कि ये रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स ही हैं, ठीक है। तो अब इसको पहले कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, कैनोनिकल फॉर्म से। तो इसका क्या आएगा, 2x1 प्लस x2 प्लस, यहाँ पे नहीं माइनस आया क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, माइनस s1 प्लस a1 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया। अब हम दूसरे वाले को देखेंगे, इसमें आएगा x1 प्लस 3x2 प्लस s2 इज इक्वल टू 3। ये हमारा स्लैक वेरिएबल है क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू का साइन है। अब इसके अंदर भी लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो उसमें आ जाएगा x2 प्लस s3 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे तीनों जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हमारे को क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कन्वर्ट करना है हमारे स्टैंडर्ड में, जैसे कि 3x1 माइनस x2 प्लस 0.s1 प्लस 0.s2 प्लस 0.s3 माइनस ma1। नाउ आपने इसके अंदर नोट करा होगा कि इसके अंदर हमारा एक ही आर्टिफिशियल वेरिएबल है, जबकि जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसके अंदर दो थे, जबकि और इसमें हमारा एक सरप्लस वेरिएबल और ऐड हो गया है, ठीक है। इसमें ये सरप्लस वेरिएबल है और ये दो स्लैक वेरिएबल है। तो क्या करते हैं गाइस, इसको फिल करते हैं। ये हमारी मेन स्ट्रक्चर है टेबल की, जो हर क्वेश्चन में सेम ही रहती है, बस इसकी फिलिंग डिफरेंटली होगी। तो अब इसको हम फिल करते हैं, यहाँ पे आएगा x1 x2 s1 s2 s3 और ये आएगा a1, ठीक है। अब क्या करना है भाई हमारे को, ये cj बनना है। cj क्या है भाई, इसके कोएफिशिएंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट ही तो होते हैं cj, पहले वीडियो से बताया हुआ है। तो ये 3 हो गया, x2 क्या है भाई -1, s1 क्या है भाई 0 0 और s3 भी 0 है, a1 क्या है -m, a1 जो है हमारा -m है। अब भाई यहाँ पे क्या भरे, यहाँ पे हम ऊपर से देखते हैं कैसे हैं, ठीक है, जिस ऑर्डर में रखा। पहले हमारे दो आ रहे हैं, तो मैंने बताया था कि जब भी हमारा सरप्लस वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल एक ही में आते हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल लिखते हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मल है भाई, यहाँ पे सीधे हमारा स्लैक s2 लिख दिया, एक और स्लैक वेरिएबल s3 लिख दिया, यहाँ हमने लाइन खींच दी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, इसके कोएफिशिएंट, यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, बात तो एक ही क्योंकि हमने यहीं से लिखा है वो, ठीक है। a1 का कोएफिशिएंट क्या है, -1, s2 का 0, s3 का 0, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब क्या करना है, यहाँ पे फिलिंग कैसे करते थे, फिलिंग करते थे इससे। तो यहाँ x2 का कोएफिशिएंट 2, सॉरी x1 का कोएफिशिएंट 2, x2 का 1, s1 का -1, s2 इसमें है नहीं, s3 इसमें है नहीं, a1 है, a1 आ गया यहाँ सॉल्यूशन में आ गया 2, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, अभी ये x1 का कितना है 1, x2 का 3, s1 का है नहीं, s2 का कितना है 1, s3 है नहीं, a1 है नहीं, सॉल्यूशन कितना है यहाँ 3, ठीक है। ये यहाँ x1 है नहीं, दूसरी वाली में सिर्फ क्या है हमारे पास x2 है और s3 है। x2 की जगह क्या लिख दिया 1 या 0, s2 की जगह 1 या 0 या 0, यहाँ कितना आया 4। ये होगी फिलिंग हमारी, ठीक है, फिलिंग सबसे ईजी है हमारी, सबसे ईजी पार्ट है वाला, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, इधर यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। बाकी सभी चेक कर लेते हैं, हमारा 1 3 0 1 0 0 और 0 1 0 0 1 0 4 और यहाँ 2 3 4, ठीक है। तो अब क्या करना है भाई, वही कंडीशन है, जेड जे देखना भाई, जेड जे निकालने का तरीका होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, इसको इससे करो, जो सब कुछ आया उसको ऐड कर दो, ठीक है। सिमिलरली फिर इसको इससे करो, इसको इससे ऐड कर दो, इनको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको फिर इससे करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर जो मल्टीप्लाई आया आपका तीनों उनको ऐड करके यहाँ लिखना होता है सबके लिए, हर कॉलम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो -2m ही आएगा, यहाँ पे दोनों जीरो है तो किसी में पूरा मल्टीप्लाई करते रहोगे, जीरो ही होगा तो सिर्फ ऊपर वाला काम करेगा। यहाँ पे आपका -m आ गया, यहाँ पे m आ गया, यहाँ जीरो आ गया, जीरो आ गया, -m आ गया,
ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कर रहे हो। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सी जे माइनस जेड जे निकालेंगे, सी जे माइनस जेड जे निकालेंगे। सी जे क्या है भाई, सी जे ये है, तो 3 माइनस ऑफ -2m कितना आया, 3 प्लस 2m, यहाँ -1 प्लस m, यहाँ -m, 0 0 और यहाँ 0, ठीक है, तो ये आपका 1 प्लस m है। अब बिग एम के अंदर कंडीशन तब हम छोड़ते हैं, मतलब तब हम इसको रोकते हैं जब हमारे सारे m एलिमिनेट हो जाएं यहाँ पे सी जे माइनस जेड जे से, लेकिन अगर ऐसा हुआ नहीं है तो हम कंटिन्यू करते रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, m तो भाई आ रहा है, तीनों जगह ही आ रहा है, तो हमें कंटिन्यू करना है और यहाँ से मैक्स वैल्यू को चूज करना है। मैक्स वैल्यू क्या है, ये इन चारों में से, पांचों में से हमारी मैक्स वैल्यू क्या है, ये है 3 प्लस 2m। तो भाई अभी इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे, ठीक है। कलर चेंज हमने करा है क्योंकि हमारे को ये की कॉलम जो है हाईलाइट करना है, की कॉलम हमने हाईलाइट कर दिया। अब इसका क्या काम है भाई, इससे हम रेशो निकालते हैं, तो कैसे निकलेगा, 2 बाय 2, इसके नीचे ये लिखते हैं तो रेशो निकलता है 2 बाय 2 1, 3 बाय 1 3, 4 बाय 0 तो नहीं आएगा भाई, ये तो गलत है, इन्फाइनाइट हो जाएगा। हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे मिनिमम उठाएंगे, मिनिमम की वैल्यू वो क्या कंडीशन, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नेगेटिव वैल्यू होती वो नहीं उठाते क्योंकि वो इसको फेल कर देती, हमें ये सेटिस्फाई कराना है, फिर मिनिमम उठानी है, मिनिमम क्या है 1। क्या करेंगे हम, इस वाले रो को हाईलाइट कर देंगे, इस वाली रो को हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब इस वाली रो को हाईलाइट करने के बाद हमारे को क्या करना है, प्रोसीड करना, ठीक है, प्रोसीड करते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो आई है यहाँ पे, ये है की एलिमेंट, ये है की कॉलम, ये है की रो। अब क्या करना है, ये है एंट्रिंग वेरिएबल, ये है लीविंग वेरिएबल, तो मतलब कि A1 की जगह मैं लिख दूंगा X1, और ये S2 तो ऐसे ही रहेगा, S3 भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन X1 का कोएफिशिएंट क्या है, 3, वो तो छोड़ के जाएगा नहीं, ठीक है, S2 का 0, ये भी 0। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इसको इससे रिप्लेस कर दिया। अब एक कंडीशन और, आपने पुरानी वीडियोस देखी है, आपको पता है सिंपलेक्स मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये पता होगा आपको कि यहाँ पे जो की वैल्यू है इसकी, या की एलिमेंट की जो वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए। तो क्या करेंगे भाई, पूरी रो में ना 2 से डिवाइड कर देंगे, कर देते हैं, क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पे 1 लिखा है, ये 1 बाय 2 हो जाएगा, या -1/2 हो जाएगा, या 0 0 1/2, यहाँ पे आ गया 1। अब एक बात ध्यान दीजिए, हमारा यहाँ पे A1 नहीं है, हमने A1 हटा दिया, तो हम एक चीज और कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी लिखने की जगह बस एक क्रॉस लगा दो तीनों जगह, हमें मतलब ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, A1 का काम हो गया, वो हट गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, ये सारी वैल्यूज निकालते हैं, और एक कंसेप्ट हमारा ये है कि जो हमारा की कॉलम होता है उसके अंदर सारी 0 होती है, की एलिमेंट को छोड़ के, ठीक है। अब कुछ नहीं, हम वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे भाई, न्यू वैल्यू निकालने का, न्यू वैल्यू क्या है, ओल्ड माइनस की रो इंटू की कॉलम जो केसी से लिखा है, अपॉन की एलिमेंट जो केई से लिखती है। तो यहाँ पे भाई लिख देते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे अब क्या आएगा, न्यू वैल्यू, ये न्यू वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग ओल्ड वैल्यू क्या थी, 3, और की रो क्या है, और की कॉलम क्या है, 1, की एलिमेंट हमेशा सेम रहता है, कितना आ गया 2, तो ये हो गया 6 -1/2 जो कि आपका यहाँ पे आएगा 5/2। चेक कर लेते हैं भाई, बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये 5/2 आया। सिमिलरली आपको ये सारे निकालने हैं और आप सब सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 1/2, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे आपका वैल्यू आएगी 1, यहाँ आएगी 0, यहाँ आएगी 0, यहाँ आएगी 1 और यहाँ आएगी 4। मैं ये करके नहीं दिखाया है इस बार कैलकुलेशन, क्योंकि मैं सारी जितनी वीडियोस मैंने बनाई है बिग एम के ऊपर, सिंपलेक्स के ऊपर, मैंने सारे सॉल्व करके दिखाए हैं, यहाँ पे भी मैंने आपको एक सॉल्व करके दिखा दिया है, और बाकी सब सेम ही है, बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको कैलकुलेट करने में। अगर आप चाहते हैं तो चलिए एक करके दिखा देता हूँ मैं आपको, मान लीजिए ये निकालनी है वैल्यू, ठीक है, इसकी जगह हमने लिख दिया NV, अब भैया NV कैसे निकाले, यही फॉर्मूला यूज करना और कुछ नहीं करना। जब हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग ओल्ड वैल्यू क्या है, 1 माइनस ये, ठीक है, ये हो गई। अब हमारी इसकी की रो की वैल्यू क्या है, की रो की वैल्यू भी है 1, ठीक है भाई, की रो क्या है, की कॉलम क्या है, 0, और यहाँ पे क्या आएगा, की एलिमेंट वो जो सेम ही रहता है, यहाँ पे तो 0 था, इधर ये इधर 1 आ गया, तो यहाँ पे हमारा 1 ही रहेगा, ठीक है, समझ आया कैसे कन्वर्ट किया है। तो ये हमारा ये था,
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे और यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे जेड जे। फिर जेड जे कैसे निकालते थे, जैसे ऊपर पता है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, उनका ऐड। ठीक है, तो यहाँ पर तो जीरो आई है, तो यहाँ कितना आएगा, तीन। बाकी जगह भी देखते जाते हैं भाई क्या क्या आता जाएगा, लिखते जाते हैं। यहाँ आएगा आपका 3/2, यहाँ आएगा -3/2, यहाँ आएगा जीरो, जीरो क्रॉस है यहाँ पे, यहाँ लिखना जीरो, यहाँ जेड जे माइनस जेड जे, सी जे माइनस जेड जे। सी जे क्या है, सी जी है ऊपर से चलता आ रहा, जिस -3 -3 जीरो, -1 -3/2 कितना आया, 5/2, -5/2। ठीक है, ये आएगा आपका 3/2, ये आएगा जीरो जीरो, और ये आपका कितना आएगा, ये तो क्रॉस ही है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन यहाँ पे आ गई। अब हम एक चीज नोट करते हैं कि भाई हमारा एम तो एलिमिनेट हो गया, हमारा एम तो एलिमिनेट हो गया, तो रुक जाते हैं, अब क्या करना, आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमारे को ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करानी है कि सी जे माइनस जेड जे शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो। एम तो हट गया, लेकिन क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हर जगह, कर लेते हैं, यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, यहाँ नहीं हो रही, यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है हमारे को, क्योंकि तो है ही नहीं, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही भाई, तो हमारे को प्रोसीड करना पड़ेगा। भले ही हमारा एम हट चुका है, लेकिन हमारे को ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, और ये सेटिस्फाई नहीं होगी तो हमारे को कंटिन्यू करते जाना है जब तक ये सेटिस्फाई नहीं हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, अब प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे क्या उठाएंगे, मैक्स वैल्यू उठाएंगे, मैक्स वैल्यू उठा ली। अब भाई क्या है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो क्या करेंगे, पेन चेंज करेंगे, कर लिया हमने। ठीक है, तो अभी 3/2 है यहाँ पे जो हमारा मैक्स है, अब इसके करस्पॉन्डिंग ये की कॉलम हमारा आ जाएगा, और इसका क्या यूज है भाई, इससे तो हम वो निकालते हैं रेशो, तो रेशो इसका निकालेंगे 1/-1/2, कितना आया, -2, यह आया आपका -2, यह आएगा 2/1/2, कितना आया, 4, यह आया 4/0, तो ये तो भाई इनफाइनाइट है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हमारे को यहाँ पे क्या उठानी है, मिनिमम वैल्यू। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर ने कहा मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो ये निकाल लेते हैं, मिनिमम है भाई, -2 से छोटा क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हमारे को ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि द मिनिमम वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो फिर हम ये नहीं उठाएंगे -2, क्योंकि हमें ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, दैट इज वाई वी विल पिक अ 4, एंड दिस करस्पॉन्डिंग जीरो विल बी हाईलाइटेड। समझे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा एक जगह। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे को की कॉलम मिल गया, की रो मिल गई है, और की एलिमेंट भी मिल गया है जो कि है 1/2। अब हमारा सबसे क्रूशियल स्टेप क्या है, रिप्लेस। अब हम क्या करेंगे, S2 को S1 से रिप्लेस कर देंगे, S2 को S1 से रिप्लेस कर देंगे, हमारा यहाँ पे S1 आ जाएगा। क्या करें भाई, यहाँ पे X1 लिख दें, यहाँ सॉरी X1 लिख दें, यहाँ S1 लिख दें, और S1 का क्या है, कोएफिशिएंट 0, वो तो छोड़ जाएगा नहीं इसे। ये है S3, ये भी 0, X1 क्या था, वो 3 था। ठीक है, तो लगभग कोई चेंज नहीं आया, बस वैल्यू बदल गई है, और क्योंकि फॉर्चुनेटली हमारा जो S1 था उसका भी कोएफिशिएंट 0 ही है, तो भाई अब प्रोसीड करते हैं। अब प्रोसीड कैसे करना है, पहले तो भाई हमारे को इसको 1 बनाना है, जो की एलिमेंट है, की एलिमेंट है, इसको 1 बनाते हैं ना, तो क्या करेंगे, हाफ से डिवाइड कर देंगे इस पूरी रो को, तो ये 0, और भाई इसको इससे हाफ से डिवाइड करा तो कितना आया, 5 आया। इसको करेंगे 1 आएगा, इसको करेंगे 2 आएगा, इसको करेंगे 0 ही रहेगा, ये तो है ही नहीं यहाँ पे, इसको करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 4, और इसके करस्पॉन्डिंग ऊपर क्या होते हैं की कॉलम में, 0 0। ठीक है ना, ये कंसेप्ट तो पता है ना कि हमारा जो की कॉलम होता है, की एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब 0 हो जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, इसकी वैल्यू पूरी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे भाई ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ENV लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये लिखा है 1 - 0, 0 क्या है भाई, ये 0, की कॉलम क्या है भाई, -1/2, अपॉन की वैल्यू क्या भाई, हाफ। अब यहाँ 0 है तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 आ गया, तो हमारी कंडीशन है कि जब भी हमारा की रो या की कॉलम में से कोई एक भी 0 होता है, तो वही वैल्यू जो यहाँ होती है यही आ जाती है बिना कुछ सोचे, नहीं लिखती बिना कुछ सोचे। ठीक है, यहाँ पे भी सिमिलर केस है, यहाँ पे भी हमारा की रो 0 है, तो हमारे वही वैल्यू यहाँ वापस आ गई, ये तो भाई क्रॉस है, इसको निकालना नहीं है। सिमिलरली इस केस में देखेंगे, इसके लिए भी की रो 0 है,
तो यहाँ पे भी वही लिख दिया। ठीक है, इसके लिए भी देखेंगे कीरो जीरो है तो यहाँ पे भी वही चीज लिख दी। कितनी कैलकुलेशन आसान हो गई हमारे, उसके लिए कैलकुलेट करना भी नहीं पड़ा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, हाफ की वैल्यू निकाल, ये यहाँ की वैल्यू निकालते हैं की। कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करके निकालेंगे। तो यहाँ पे से कॉरेस्पॉन्डिंग ओल्ड वैल्यू क्या है भाई, हाफ माइनस कीरो, कीरो क्या है 5/2 की कॉलम क्या है माइनस हाफ, अपॉन क्या लिखूं मैं, ये एलिमेंट जो हमेशा सेम रहता है हाफ से हाफ कट गया, 1/2 प्लस 5/2 कितना आया 3, 3 आया, चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है 3 आएगा यहाँ पे। सिमिलरली हम बाकी सब कुछ कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे आपका 1 आएगा, यहाँ पे आपका 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 0 आ गया, तो अब क्या करना है भाई, इसकी वैल्यू थी वो भी निकाल लेते हैं, कितनी आएगी यहाँ पे 4 ही आएगी, यहाँ पे कितनी आएगी 3 आएगी। ठीक है, 3 आएगी, ये 3 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, जेड जे निकालेंगे, जेड जे निकालने का भी फॉर्मूला बता चुका हूँ मैं बहुत बार। अब यहाँ पे बाकी दो तो 0 है, तो सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, एक तरीके से या 9 हो गया, या 0, या 3, या 0, या क्रॉस, यहाँ जरूरत नहीं है। या सी जे माइनस जेड जे निकालते हैं, 3 -3 0, -1 -9 -10, 0 -0 0, ये -3 0, ये क्रॉस। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस कंडीशन को देखते हैं भाई क्या ये सेटिस्फाई हो रही है, अब देख लेते हैं, ये हो रही है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी। क्या निकल गया ये बात कि हमारी x1 की वैल्यू 3 है। ठीक है, x1 की वैल्यू 3 है, तो हम इससे क्या इन्फर करते हैं, ये हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। इससे हम क्या इन्फर करते हैं कि हमारा x1 की वैल्यू जो है वो 3 आई है। अब बच्चे बोलते हैं सर x2 तो आई नहीं इसमें, अब x2 की तो वैल्यू में पता ही नहीं लगी। अब x2 नहीं है तो हम उसको क्या लिखेंगे कि x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर यहाँ पे वेरिएबल अवेलेबल नहीं होता तो उसको 0 मानते हैं। तो अब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे जेड मैक्स निकालने के लिए, जेड मैक्स इज इक्वल टू 3 × x1 × 3 -x2, कितना 0, कितना आया 9 आया, 9 आया नहीं आया। ठीक है, ये हमारी हो गई मैक्स वैल्यू। बहुत आसान प्रोसीजर है, कुछ भी नहीं है। अगर आप मेरे शुरू से वीडियोस देख रहे हैं सीरीज की स्टार्टिंग से, तो आपको एक एक चीज एकदम केक वॉक रहेगी, कुछ भी नहीं करना है इसमें, बहुत आसान है। और आपको कुछ और वीडियो, किसी और वीडियो या किसी और बुक से रेफर करने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, वेरी सिमिलर टू सिंपलेक्स मेथड, द ओनली डिफरेंस इज दैट वी हैव अ आर्टिफिशियल वेरिएबल ओवर हियर, वी हैव एन आर्टिफिशियल वेरिएबल ओवर हियर विद व्हिच हैज अ कोएफिशिएंट ऑफ -n, जो कि हमने यहाँ रखा है। ठीक है गाइस, तो हमने इसके अंदर बिगम मेथड का सेकंड क्वेश्चन कराया, इससे पहले हम 2 से 3 वीडियो और देख चुके हैं बिगम मेथड की, ये शायद चौथी वीडियो है इसकी। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बेस्ड होगा अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और ये एग्जाम में आता ही आता है 90% चांस। ठीक है, सो गाइस, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, कमेंट डालिए अगर आपको अच्छा लगा है, समझ आया है तो वाओ लिखिए, या फिर कुछ भी आपका मन करे वो लिख दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करें, वैसे डिटेल में होगा नहीं, और डिटेल में आप चाहते हैं कोई और क्वेश्चन चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। ठीक है, एंड मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल भी है डिस्क्रिप्शन में, सो डू फॉलो दैट। सो ओके गाइस, आई एम रौनक जैन, स्टूडेंट ऑफ NSIT, सी यू इन द नेक्स्ट वन।